मन धीरज काहे न रे। राधा स्वामी ये दो शब्द आपने सुने हैं, दोनों का भाव अलग अलग है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ठाकुर मैं तुम्हारी शरण में आया और उससे मारे सारे दुख दूर हो गए और सुख मिल गया, यही कहा ना। अब कबीर साहब कहते हैं मन को कि तू धैर्य धर, जो होना वो तो होके रहेगा। क्या गुरु की शरण में जाने से दुख सुख हट जाएगा? अब सवाल ये है, बात को समझने की कोशिश करना। गुरु नानक साहब की वाणी कहते हैं कि जब तुम ठाकुर की शरणाई में चले गए, इस लोगों ने इस शरणाई को नहीं समझा। शरणाई असल में है क्या? शरणाई है चिंता से मुक्त होना, वो शरणाई है। दुनिया की डिमांड जब तक हमारे मन में है, हमारे मन में कोई इच्छा है, हमारे मन में कोई चाह है, हम गुरु की शरणाई में नहीं जा सकते। पहली बात तो ये है, जब हम दुनिया को भूलकर, दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर उसकी शरण में जाएंगे केवल इस ख्याल से कि मैं इस जन्म मरण से आजाद हो जाऊं, मेरा आवागमन खत्म हो जाए, तब तुम्हें सुख मिलेगा, वरना सुख नहीं मिल सकता। मैं अपना तजुर्बा आपको बता देता हूं। अब कबीर साहब तो कहते हैं कि तुम धैर्य करो, धैर्य भी तो इसीलिए करेंगे जब हम ये मान लें कि जो होना वो होके रहेगा। गर्म बास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे? क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं ना, अब आपको मैं एक शब्द सुनाता हूं जो मेरे ऊपर उतरेगा, वो मैं सुनाता हूं। निकालो दाता ध्यान का शब्द। भैया रे जे मन बड़ा है उत्पाती, सारा झगड़ा जो है संसार का, सारे दुख हैं जो संसार के, ज्यारी क्यामते हैं जो संसार की, जो कुछ भी हमारे साथ होता है ये मन के लेवल पर होता है। जब तक हम मन में हैं और जो शरीर में हैं, ये हमें छोड़ेगा नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मेरे साथ बीती है। मैं अब काफ़ी उम्र का हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कितनी है, मैं क्या कहूँ, बात समझ गए। लेकिन सारी जिंदगी कोई ऐसी उत्पात मेरे मन में नहीं आया। 26 साल परमदयाल जी महाराज की संगत की, हर बात को समझा, हर बात को अपने अंदर उतारा, वो स्थान भी देखा जिसको चौथा पद कहते हैं, वहां तक भी मेरे गुरु ने मेरी पहुंच की करवाई। फिर कह लिया बेटा इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना, केवल सुमिरन और ध्यान करना। मैं उसको पकड़ा, कभी कभी उनकी दया हो जाती, जब आएगी तो हो जाएगी, मुझे क्या चिंता, बात कह रहा हूं मैं। अब पता लगा कि मन कभी भी तुम्हारा जाग जाएगा, मन तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा करेगा, उन हालात में तुम घबरा जाओगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ो ये शब्द मैं आपको सुना रहा हूं, अपनी बीती सुनाऊंगा। बाबा फकीर अपनी बीती सुनाते थे, मैं कोई कोट नहीं करूंगा, बोलो। ये शब्द मेरे लिए निकला रात दाता दयाल का, पढ़ो। भया रे ये मनुआ पाती, भया रे ये मनुआती उत्पाती, मन उत्पाती मतलब कभी कोई ख्याल पैदा करेगा, कभी कोई ख्याल पैदा करेगा, कभी तुम्हें तसल्ली देगा, कभी तुम्हें फिर मारेगा। उत्पात यही होता ना, एक बचा दूसरे में फंसा दिया, दूसरे पर आर्गुमेंट्स करता है, अंदर अपने आप के अंदर आर्गुमेंट्स करता है, अपने आप चल रहा है, तुम्हारी दुनिया को हिला के रख देता है, ये उत्पात इतना करता है। अपने अपने मन को देखो तुम कहाँ ठहरे हुए हो। इसलिए बाबा फकीर ने एक सवाल मन की कबड्डी एक शब्द उन्होंने लिखा, और फिर कहते थे हर रोज सुबह मन की कबड्डी खेला करो, मन के साथ कबड्डी करा करो, मतलब अभ्यास करो ताकि मन से निकल जाओ। क्या कहा मैंने, मन हारे हारे तुम्हारे काबू में आ जाए।
इसीलिए अभ्यास कहा गया, साधन करो, अभ्यास करो, तुम मन से आगे निकलने की कोशिश करो, उसी में जीने का सुख है और नहीं सुख है नहीं है। आगे पढ़ो। भय हरे ये मनुआते पाती चढ़ा भरम नहीं डोला। और गिला थोड़ा, नमी मशीन है अभी सेट नहीं हुई। मेरा गलत नहीं काम कर रहा, नहीं तो मैं खुद पढ़ूंगा। चढ़ा भरम नहीं डोला, चढ़ा भरम अज्ञान डोला, काल क्रोध का सहे झकोला। छल बल कपट हैं और काम क्रोध, ये इसके साथी हैं, हमारे मन के साथी हैं। ये छल बल कपट, झूठ भी बोलना, छल भी करना, ये भी करना, वो भी करना, और काम मतलब कामना, ये होना चाहिए, ये क्यों हुआ, ये होना चाहिए, ये क्यों हुआ, ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों हुआ, तो उसमें फिर इसको क्रोध भी आता है कि ये क्या, मैं क्या करूँ, मैं क्या क्या जाऊँ, क्या कहना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। मन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, मन तुम्हारे को एक ख्याल नहीं, एक ख्याल को तुम काबू करने में सफल भी हो जाओगे, ये दूसरा पैदा करेगा, करके देख लो। मैंने जिसको देखा, इतना ज्ञान होने के बावजूद, बाबा फकीर का सिर पर हाथ होने के बावजूद, उनका आशीर्वाद होने के बावजूद, इसने मुझे 16 घंटे बहुत तंग किया। क्यों तंग किया? मन ने तंग किया, हालांकि कोई और चक्कर नहीं था, इसने ऐसे चक्कर में मुझे डाला जिसका मैं बयान करना चाहता हूं। क्या कहा, आगे पढ़ो। चढ़ा भरम अज्ञान डोला, काम क्रोध का सहे झकोला, छिन भर भी नहीं रहे अडोला, भ्रांति के बस दिन राती। मेरे को देखता, कदा मेरे को दे, मुझे शब्द में समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। मैं सुनाता हूं, मैं वैसे पढ़कर सुनाऊंगा। छिन भर भी नहीं रहे अडोला, भ्रांति के बस दिन राती। अडोला कहते हैं ना डोलना, ठिर कर बैठो अंजर प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का सवारे। ये डोलता है, हंडोले में बैठा हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये दाता दयाल जी महाराज लिख रहे हैं, उनका तजुर्बा है ये कि ये डोलता है, कमे तुम्हें ठिर नहीं होने देगा। तुम अभ्यास में बैठे हो, सिमरन करने बैठे हो, तुम वहां बैठे हो, मन के ही चला जाएगा। ये डोलना है, ये शिन में डोलता है, शिन में तुम्हें ठहराता है, और इसको तसल्ली नहीं होती। ये है इसके कहने का मतलब, दाता दयाल जी कह रहे हैं। अपने अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना है। मैंने कैसे किया वो मैं आगे बताऊंगा। क्या कहा मैंने, आगे सुनो। फिर कहते हैं, बिन कारण उत्पात मचावे, आप दुखी और उनको दुखावे। जब तुम्हें कोई अंदर में मन चंचल ज्यादा हो जाए तो तुम तो दुखी होते ही हो, घर वालों को भी दुखी करते हो। हाय मुझे क्या हो गया, हाय मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, ये करा वो करा। आप सोचो, मन मन की अपने अपने सोचो, हमारा मन क्या है। छिन छिन में ये नई बात आपके अंदर पैदा करेगा, आर्गुमेंट करेगा अपने अंदर ही कि ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। जब तक तुम अपने मन को किसी हितैषी के साथ, किसी मित्र के साथ, जिस जो तुम्हारा हितैषी है, जब तक आप उसके साथ बात नहीं करोगे, तुम उस जाल से बाहर नहीं आओगे। क्या कहा मैंने, इसलिए ये दुनिया जो है ये सहारा चाहती है, हर मन सहारा चाहता है। जब तक हम दुनिया में हैं,
भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है और मन के लिए सहारा जरूरी है। सबसे बड़ा सहारा है सतगुरु की वाणी। अगर सतगुरु की वाणी भी तुम्हें साथ रहते तो सब तुम्हारा हितैषी को तुम्हारा साथ करेगा, वो भी गुरु के रूप में आता है। मैं मेरा अनुभव ये कहता है कि वो गुरु के रूप में आकर तुम्हें सहारा देगा कि तूने यार क्यों घबराया है, मैं तेरे नाल है, चल उठ सा काम करिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो गुरु के रूप में कोई ना कोई तुम्हारा सहारा करने के लिए आ जाएगा और सहारा होता है। इसलिए मन को ही सोचना है। अगर कोई किताब पढ़ने वाली दुनिया में है, जैसे बाबा फकीर ने मुझे कहा मन की किताब पढ़ो, मैं मन की किताब भी पढ़ी, वो भी पढ़ता गया, कोई किताब में रहा भी कुछ नहीं, लेकिन फिर लिखने लग गया, ये फिर लिखने लग गया और लिखने लग गया, एक ख्याल लिखा छोड़ा काट दिया चलो और अगले चल, क्या कहा मैंने। इसलिए दाता दयाल जी महाराज की वाणी में आपको बता रहा हूँ, अपने ऊपर लेकर जाकर उसका मिसाल मैं आगे दूंगा क्या कहता हूँ। फिर कहते हैं करनी कथनी का फल पावे, अपने करने का फल है, अपने ही कर्म का फल है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होती है जो किसी न किसी रूप में आपके आपको तंग करती है मानसिक रूप से। दुख कोई एक तरह का थोड़ी है, तीन तरह का दुख है। लिखा जाता ध्यान में परम दयाल जी महाराज को लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंगल गा के ले जा गुरु के देशा, तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे गानी। निबल मीन जो शरीर से निबल है, शरीर से कमजोर है। उन्होंने बताया कि शरीर क्यों कमजोर होता है, वो मेरा आज का टॉपिक नहीं है। अबल वो होता है जिसका सहारा तो टूट जाए। गुरु की वाणी एक सहारा है, गुरु का शब्द एक सहारा है, और वो अगर गुरु वहां नहीं है तो वो किसी ना किसी रूप में आपका सहारा बनेगा। ये मेरा अनुभव है, क्या कह रहा हूं, वो है घट घट में है, वो किसी ना किसी को अंदर से उकसाएगा, चल बच्चा उसकी मदद कर, चल बच्चा उनको सहारा दे, क्या कह रहा हूं अशोक मैं, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। आगे चलता हूं। फिर कहते हैं समझे नहीं मैं थक कर हारी हारी कौन, सुरत रूप सारा सुरत हार जाती है, ये नहीं मानता, ये नहीं मानता। एक मिनट के लिए मानेगा भी ठंडा भी हो जाएगा फिर जागेगा। जैसे पानी आग के ऊपर थोड़ा पानी डाल दो ना, वो सूखना शुरू कर देती है, थोड़ी देर के बाद फिर चमकेगी, क्या कहा मैंने, वो आग फिर भड़केगी और ज्यादा भड़केगी, करके देख लेना, मैंने यो भी करके देखा हुआ है। बात समझ गया ना, आग पर थोड़ा पानी डालोगे वो थोड़ी शांत हो जाएगी, लेकिन एकदम फिर चंगारी ऊपर को बढ़ेगी। ऐसे हमारा मन है, तो इसलिए वो कहते हैं समझत नहीं मैं थक कर हारी, निज स्वरूप का निज स्वरूप ध्यान बिसारी। क्यों क्यों मैं थक गया, निज स्वरूप को मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, निज स्वरूप को विसार दिया कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन में नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं, मैं तीनों का साक्षी हूं। जब ये ध्यान भूल जाता है तो आदमी ढोल जाता है, क्या कहा मैंने, तब ढोलता है आदमी, जब ये चीज भूल जाता है कि मन मैं हूं ही नहीं, मैं तो सदगुरु का प्यारा हूं, मेरा तो सतगुरु मेरे सिर पर है। वो कहते हैं जिस पर तू स्वामी वो दुख कैसा पावे, वो दुख कैसा क्यों पाएगा। लेकिन जब हम स्वामी को भूल जाते हैं तो विकर्क हो जाते हैं, फिर हम उठ नहीं सकते, क्या कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ आगे मैं क्यों हुआ, ये मैं शब्द क्यों बता रहा हूँ। ये शब्द ने मुझे बहुत प्रभावित किया, इस शब्द ने मुझे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, वो मैं बताने जा रहा हूं। आगे चलिए, अगले कहते हैं अपना आप बना अपकारी सचमुच का आत्मघाती, अपने आप अपना नुकसान कर रहा है।
अपने आप बना उत्पाति उपकार होता है किसी की मदद करना, अपकार होता है अपना नुकसान करना। ये दो शब्द हिंदी के हैं, उपकार अपकार। आ वाले से उपकार, उपकार उसे बनता है। उपकार होता है किसी की सहायता करना, मदद करना। अपकार होता है अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना। सचमुच है आत्मघाती, ये हमारी आत्मा का घात करता है, ये हमारी आत्मा को तंग करता है, ये हमारी आत्मा को काटता है, काटता छुरी की लेकर काटता है। जैसे दुख होता है ना, कोई काटे तो दुख होता है, हाय 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 करता है ना, ऐसे ही ये हमारे को अंदर से डिस्टर्ब कर देता है। वहां तुम्हारा नाम सहायता नहीं करता, क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे सामने एक सीन बन गया, तुम्हारे सामने एक 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 फिल्म बन गई, उस फिल्म तुम्हारी करती नहीं है। वो एक सीन बनता, फिर दूसरा सीन बनता, फिर तीसरा सीन बनता, एक को तुम छोड़ते दूसरे में फंस जाते हो। कहते सचमुच ये आत्मघाती है, ये मन बड़ा जालम है। कबीर साहब ने भी लिख दिया, ए मन है बड़ा जालम। बाबा फकीर ने भी यही कहा, ए मन है बड़ा जालम, यही हमारा दुश्मन है और यही हमारा मित्र भी है, ये मेरा सहायक भी है और ये हमारा दुश्मन भी है। दोनों बातें हैं इसमें। गुरु की दया हो गई तो ये मददगार बन जाएगा, अगर दया गुरु को भूल गया तो ये तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। कैसे बना, आगे चलता हूं। फिर कहते हैं, मिथ्या करने का फल पाया। मिथ्या जो है नहीं उसको बनाए बैठा है, मिथ्या कर्म कर रहा है, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय अब मैं क्या करूं, अब ये करूं, अब जब वो करूं, कहां जाऊं, किसकी सलाह लूं। मेरी बात समझ गए, इसको कहते हैं मिथ्या करने, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, जिसका कोई किसी तरह से समझो कोई उदा इलाज नहीं है, वो मिथ्या करनी है। और हम सब मिथ्या जगत में रहते हैं, मन का मिथ्या जगत बन जाता है, मन का ऐसे ही संकल्प बनते रहते हैं, ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो, और उससे आदमी अडोल जाता है, अडोल अडोलपन खत्म हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। लेकिन वो बच्चे थे, ये भी कह देता हूँ, ध्रुव और प्रहलाद बड़ी उम्र के नहीं थे, छोटे बच्चे थे, 10 साल के 12 साल के, उनका तो मन भी उपलब्ध भी नहीं हुआ था, तभी वो उधर लग गए। क्या कहा मैंने, जब आदमी 80 से ऊपर हो जाता है उसका मन बहुत चंचल हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं, वो जिद्दी हो जाता है, और तभी वो बच्चों पर भी क्रोध करता है। मैं क्रोध तो नहीं करता किसी पर, लेकिन मैं मन को समझ गया, वो मन को मैं समझ गया कि ये वाकई बहुत बड़ा चोर का चोरी करता है, चोरी तुम्हारी शांति की चोरी करता है, तुम्हारी स्थिरता की चोरी करता है, तुम्हारे मन के सुख को चैन को बदल देता है। कैसे बदलता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर कहते हैं, क्यों नहीं गुरु की शरण में आया, आय हाय हाय। बाबा फकीर ने भी यही कहा कि जब मैं गुरु को भूल जाता हूं मैं गिर जाता हूं, पढ़ के देख लो, मगर मुझे ज्ञान आ गया, मैं उसमें फंसता नहीं हूं, मैं समझ जाता हूं कि ये मन का बनाया हुआ जाल है, मैं उसमें रहता हूं लेकिन मैं उसमें फंसता नहीं हूं। लेकिन मेरे जैसा ज्ञानी फंस जाता है, तजुर्बा नहीं हुआ, अब पता लगा कि ओ ये है फंसना। बाबा फकीर ने कहा फंसना नहीं है, अब पता लगा कि मेरा वो फंसना था मन में। क्या कहा अशोक, मैंने आपको बताऊंगा कैसे फंसा, मैं फिर बताता हूं कैसे बाहर आया। मन से फंसना निकलना कोई खाला जी का घर नहीं है। कब निकलोगे, क्यों नहीं गुरु की शरण में आया,
कुटल कुचाल कबड़ाती, और तू कुटल है कुजात है, तू समझ नहीं पाया तू इंसान है, तू माल के कुल की अंश है, तू समझे नहीं कि तू है कौन, तू तो कुचल दा, तू जो कुचाल बुरी चाल पर चल पड़ा, तू रास्ता ही बदल लिया, गुरु का रास्ता ही छोड़ दिया, और गुरु की शरण में आया नहीं, मन से शरीर से तो मत्था टेक दिया, लेकिन मन कहाँ था, मन कहाँ था। जब ऐसी जगह होती है तो इंसान मजबूर हो जाता है, इंसान बेसहारा हो जाता है, इंसान को रात को नींद नहीं आती। क्या कहा मैंने, अपने अपने ऊपर उतार कर देखो, फिर कब चैन आएगी वो मैं आगे बताता हूँ, फिर बताता हूँ। फिर कहते हैं राधा स्वामी दाता दयाल विचारी, राधा स्वामी ने फिर दया विचारी, फिर मालिक की दया होती है। जब उनका प्यारा बेचैन हो जाता है, जब सतगुरु का प्यारा किसी भी कारण से बेचैन हो जाता है, फिर वो दया करता है। कैसी दया करता है, वो किसी न किसी प्रेमी को पैदा कर देता है, किसी न किसी सहायक को तुम्हारी मदद के लिए भेज देता है, कोई न कोई तुम्हें रास्ता बताने के लिए आ जाता है। क्या कहा मैंने, इसलिए कहते हैं राधा स्वामी दया विचारी, इस मनुआ को आप सवारी, इस मनुआ को आप सवारी, फिर उस मन नु आके मालिक ने आप संवारिया। क्या कहा मैंने, ये बात नहीं है, गुरु तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो परम तत्व तुम्हें हमारी मदद करेगा, तुम्हारा कर्म काटेगा, तुम्हारे दुख को दूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कब, जब तुमने ठाकर की शरणाई ले ली, तब दुख दूर होगा, वरना नहीं होगा। और आखिरी लाइन में फिर सुना देता हूं, क्या कहते, चाहे चाहे जिलावो चाहे मारो, ऐ मालिक तू मैनु चाहे मार दे चाहे जला के राख कर दे, मैं कहीं आती ना जाती, मैं किते नहीं जाना। ये आखिरी लाइन है, चाहे जलाओ चाहे मारो, मैं कहीं आती ना जाती, मैं नहीं किते भी जाना, तुसी जो मर्जी हुन मैनु करो, चाहे मार दियो चाहे जलाकर खाक कर दियो। अब मैं अपनी बीती बताता हूं, मैं ये शब्द क्यों सुनाया, मेरे साथ बीती कैसे बीती, तुम्हारे सामने बैठा हूं। पहले मेरे कान पर ये मशीन नहीं थी, ये वाली ऊपर वाली ये मशीन नहीं थी, मेरे मशीन अंदर थी यहाँ, अभी ये पूरी एडजस्ट नहीं हुई, ये 6-7 दिन लेगी एडजस्ट होने के लिए। तो मैं एक दिन अपने दोस्त को जो मेरे बहुत प्यारे हैं इंग्लैंड, टेलीफोन किया, अमित आपने मुझे कुछ पूछा, और आपने कहा महाराज जी पिताजी ये बाबा फकीर का सत्संग मैंने सुना है, मुझे ये बात समझा दो कि बाबा फकीर क्या कह रहे हैं। मैं उसके हर बात का जवाब देता हूँ, लेकिन जब मैं वो शब्द पढ़ने सुनने लगा तो मेरी समझ ना आई, क्योंकि मशीन ने काम करना, पुरानी मशीन ने मेरी मदद नहीं की, उस मशीन ने मेरी मदद नहीं की, तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूँ, उसको क्या जवाब दूँ। तीसरे दिन मैंने उसको मैसेज लिखा, मैं कहा अमित बेटा मेरे कान ब्लॉक हो गए हैं, मुझे नजला जुकाम हो गया था, ये कान बिल्कुल ठीक था लेकिन ये भी अब ब्लॉक है, तो मेरी मशीन मदद नहीं करती। कहते अच्छा पिताजी, उसने फोन उठाया अपने पिताजी को टेलीफोन कर दिया कि महाराज जी का कान बंद है, उनको नई मशीन लगवा दो। बात समझिए, चलो मुझे अश्विनी आया हुआ है अमेरिका से, आप लोगों ने नहीं देखा, वो मेरा वो भी बहुत प्यारा है, वो बाबा फकीर के बचपन का, उन्होंने बाबा फकीर को बचपन से साथ दिया, उनके रिश्तेदारी से। अश्विनी का फोन आया, महाराज जी आप बुधवार को आ जाओ, ना पहले कहा 4 तारीख को आ जाओ, डॉक्टर साहब ने टाइम ले लिया है PGI से। मैंने कहा 4 को नहीं, 5 को तो जलंधर मेरा सत्संग है,
अगर चार को मुझे कहा रहना पड़ेगा तो जितने वालों बच्चे मेरा सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। मैंने एकदम लिखा कि नहीं अश्विनी, चार तारीख को नहीं मैं आ सकता, तुम अगला हफ्ता ले लो। उन्होंने 13 तारीख ले लिया, मैं चला गया। PGI गए, वो डॉक्टर जो था वो अमित का दोस्त, इकट्ठे पड़े थे, उसने बड़ा सत्कार किया और हमें जो टेक्निकल हैंड है उसके पास भेज दिया और उन्होंने मेरे सारे कान का मुआयना किया दोनों का, और करने के बाद कहा कि आप सर ये मशीन जो कान की है ये नहीं लगेगी, आपके अंदर की मशीन अब नहीं लगेगी क्योंकि कानों की जो सिचुएशन है वो पहले से बदल जाती है उम्र में, तो आप ये मशीन लगाइए। मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने टाइम दे दिया कि आप 20 तारीख को आओ ताकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि आपके शरीर कान में किस फ्रीक्वेंसी की मशीन लगनी है। तो 20 को चले गए, 20 को ये मशीन मेरे लग गए। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये मशीन लग गई, पैसे तो देने होते हैं, ओके वो लेके गया था मैं। ये मशीन लग गई, लग गई, चलो वापस आ गए, पेमेंट कर दी, रसीद बन गई, घर आ गए। दूसरे दिन मैं पढ़ा इसके बारे में, पढ़ा तो इसमें लिखा है कि ये मशीन एक दफ़ा चार्ज करने से 7 घंटे चलेगी, 7 घंटे। अब जैसे ही ये पढ़ा और फिर भी लिखा हर रोज रात को इसको चार्ज करना है, मैं सुशोपंच में पढ़ गया। कैसे पढ़ा कि सपोज मैं अमेरिका जाना है तो रात को अगर मैं बस पकड़ूंगा तो 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं बस को वहां पहुंचने में, 9 घंटे लग गए, रास्ते में ये बंद हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। मैं अपने मन की हालत बता रहा हूँ शोक जी, ध्यान से सुनते रहना। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसका मतलब मैं छोटी मशीन भी रख लूँगा साथ ये बंद हो जाएगी वो लगा लूँगा जो मेरे पास है, थोड़ी बहुत तो काम देती है ना। नहीं माना मन, मैं क्या फिर गड़बड़ हो जाएगी, दोनों का क्लैश हो जाएगा, अब क्या करूँ। अश्विनी को टेलीफोन किया, मैं कहा अश्विनी बेटा ये हाल है कि ये मशीन मुझे टूर में काम में नहीं आएगी, अगर मैं टूर पर जाता हूँ 6-7 दिन के लिए तो मैं बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं डेफ हो जाऊँगा, मेरे को सुनना नहीं आएगा, कोई बात कान में आकर कहेगा तो सुनूंगा नहीं तो नहीं सुन सकता। कहते हाँ महाराज जी आपकी बात तो ठीक है, आपकी बात तो ठीक है। फिर उन्होंने डॉक्टर चावला जी से बात की, उनको भी ये अपनी मुसीबत बता दी। फिर मुझे अमित का दोबारा फोन आया, कहता महाराज जी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं 16 घंटे डिस्टर्ब रहा, अब क्या करूँगा, बैसाखी में जाना है। बैसाखी आ गई, सुबह 6 बजे से मेरे को सज्जनों ने मिलना शुरू कर देना है, रात के 11 बज जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, कैसे सुनूँगा, क्या करूँगा, बात मेरी समझ गए ना। मन इतना चंचल हो गया कि भूख भी ना लगे। परसों रात 3 बजे जाग गया, 3 बजे बैठ गया, अब क्या करूँगा, मैं संगत की बात कैसे सुन सकूँगा, मैंने क्या बोलना है, मैं तो बेसहारा हो गया, ये चल पे चक्कर, आप मेरी बात समझे। कल फिर बातचीत हुई टेलीफोनों पर, 3 जगह पर, 3 जगह, वहाँ से आ गया टेलीफोन, वहाँ से आ गया टेलीफोन, उधर से आ गया टेलीफोन। महाराज जी चिंता छोड़ दो, पिताजी क्यों चिंता करते हो, एक मशीन और दे देता हूँ मैं आपको, अमित डॉक्टर एक मशीन और आपको ले देता हूं जो सेल वाली होगी, जब बाहर जाना सेल वाली मशीन लगाना और घर में इसको लगाना, मेरी बात समझ गए। तब जाकर मुझे चैन आई, रात 10 बजे उसका मैसेज आया, 10 बजे मैसेज आया, क्योंकि 9 बजे 8 बजे सारा डिस्कस हो रहा है सबके साथ,
अब बुधवार को फिर डेट ले ली है, अब बुधवार को जाऊंगा दूसरी मशीन में लेकर आऊंगा। मेरी बात समझे, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हें नानी याद आ जाती है। आज सुबह फिर मैं बैठ गया, 4:30 उठा, नहाया, 5 बजे बैठ गया, फिर मन को पकड़ा, मन को पकड़ा, मन से वो सारा उत्पात निकाला, मन से सारा उत्पात निकाला, तेरा सोचना, तेरा चिंतित होना, तेरी चंचलता तेरी अपनी ही कमजोरी है, तूने सतगुरु के वचन को बिसार लिया, तूने वचन को बिसारा है, तू भूल गया कि तू है कौन। तब सुबह बैठा मैं, आधे घंटे में मैं मन की सिद्धमा से बाहर निकल गया और शांति आई। बात मेरी समझ गए। अब ये मशीन है, उम्मीद है 2-4 दिन 7 दिन में ये मुझे सेट हो जाएगी, क्योंकि नहीं है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ये मन है एक बड़ा जालिम है बच्चों, कुछ ना करो, मन की देखभाल करो बस। मुझे हालांकि बाबा फकीर ने आदेश दिया कि बच्चा मन की किताब पढ़ना, वो भी पढ़ी, कुछ भी नहीं, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर उत्पात, 5 मिनट फिर चैन आई, फिर उठिया, फिर उठिया, फिर दबिया मैनू, ये मेरी हालत रही। बात मेरी समझ गए। जब ये मैसेज पढ़ लिया फिर खुराटे मारकर सोया, फिर 4:30 उठिया, फिर बैठ गया, फिर आ गया उसी बात पर। इसलिए जिंदगी में ऐसे हालात आएंगे, आते हैं। मेरे पिताजी चले गए, मैं नहीं रोया, मैंने दुख में सहा, माता गई, कुछ दुख नहीं हुआ, मेरी पत्नी चले गई, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाबा फकीर ने कहा था बेटा तेरी सारी जिंदगी नहीं कटेगी इसके साथ, उन्होंने कह दिया 1963 में कह दिया था, तो उनका वचन पूरा। तो क्या मैं उनके वचनों को भी भूल गया? अरे बाबा मैं क्या बताऊं, उनके वचनों को भी भूल गया मैं। ये मन इतना जालिम है, इसलिए इसको रस्सा डालो, इसको जंजीर डालो, जो मर्जी करो, इसने तुम्हें तंग करना ही करना है। जब तक गुरु की शरण में आप नहीं जाओगे, क्या मतलब, क्या मतलब शरण में जाने का? मैं क्यों दुखी हुआ? क्योंकि मेरी जरूरत ने मुझे तंग किया, मेरी कामना ने तंग किया ना, कि ऐसी मशीन लग जाए, ऐसी मशीन लग जाए, ऐसी मशीन लग जाए, बार बार उनको कहो कान वाली मशीन लगा दो, ये नहीं लगेगी, लगती है लेकिन उसकी कीमत मेरी सीमा से बाहर है, 4 लाख 5 लाख 7 लाख की मशीन है। बात मेरी समझ गए। तो ये है मन की हालत। इसलिए मैंने पहले पढ़ा, मैंने शब्द सुना, मुझे हौसला हुआ कि गुरु नानक साहब ने क्या कहा है, मैं ठाकुर तुम शरणाई आया, मैं शरणाई भूल गया, और शरणाई भी एक सतपुरुष की, एक परम पुरुष की, एक आपद पुरुष की, जिसने 18 साल की उम्र मेरे सिर पर हाथ रखा था, और इस उम्र में आकर मैं गिर गया, मैं डर गया इस मन से, और फिर मैं वहां गया जहां मन नहीं है। बात मेरी समझ गए बच्चों। कोशिश किया करो, मन को समझो, हालात ऐसे आएंगे जब आप डिस्टर्ब होंगे, तो केवल नाम का सहारा, केवल गुरु का सहारा आपका साथ देगा, बाकी कोई चीज आपका सहारा नहीं दे सकती, ये मेरा कहने का। और फिर वो आता है, जब तुम्हारी पुकार होगी फिर वो आएगा, किसी न किसी के रूप में आएगा। मैं उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में, वो है बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर है, 4 बजे सुबह बस पटियाला से चलती थी, 7 बजे पहुंचती थी, 5 बजे चलती थी, 7 बजे पहुंचती थी। मैं 3:30 बजे पहुंच गया बस स्टैंड, बस 4 बजे चली,
ज्यों चली ज्यों चली, पता नहीं कितने शहर काट के, कोई आए कोई जाए। नवंबर का महीना तो एक जगह रोटी ज़्यादा जो ड्राइवर होते जल्दी रोटी खा लेते हैं, मैं रोटी बड़े आराम से खाता हूँ। मैंने भी थोड़े से चावल लिए खा लिए और बस के पास खड़ा हो गया। मैं कहा बस निकल गई तो मेरी नौकरी गई, बस बन गई ना, तो मैं बस में बैठ गया चल पड़े। जैसे 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर होगी शहर आने वाले, सूरज छिप गया था, 6:30 बज चुके थे। तो वो मैं नहीं सोचा था कि मैं कहाँ ठहरूँगा, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं भाई जहाँ 7 बजे पहुँचना ठहर ठहरूँगा कहाँ। उधर ना को मासी ना को चाची ना को ताया ना को रिश्तेदार, बस उसके आश्रय चला हुआ हूँ। तो कंडक्टर आया मेरे पास, कहता भाभी तुसी कितने जाना, मेरे नाल बैठ गया। मैं कह रहा आपके जिथे बस जानी है। कहता वहाँ पहली दफ़ा जा रहे हो। कहता मैंने सोचा कि सारी दुनिया आई चली गई आई चली गई, बाबूजी उसी सीट पर बैठे हैं, पता तो करो की गल है, कितने जाना। मैं क्या मैं नारनौल जाना जिते थोड़ी बस जाती है। अच्छा तुम उत्थे क्यों जा रहे हो, पहली दफ़ा जा। मैं क्या हाँ मैं पहली दफ़ा जा रहा, तो किस वास्ते। मैं क्या मैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ मैं कल ज्वाइन करना है, मेरी नौकरी लगी उत्थे। कहता अच्छा तुम्हें तो कभी चिंता, ये उसके शब्द हैं। साडा बस स्टैंड उत्ते कमराया उपर 2 बैड लगे हुआ साढ़े वास्ते, मेरे लिए तो ड्राइवर ले, असी तो बाबूजी उस रुकते नहीं, अभी तो तड़के 4 बजे फिर जाना, अभी तो बस से सो जाना, रोटी खा लेनी है, साडा सिस्टम बनया है, आदत है बस से सोना चल पैना, तो तुसी साढ़े कमरे च रहना, उत्थे चौकीदार है, बैड लगा है, कोई तो तकलीफ नहीं होगी। बस खड़ी हुई, उन्हें मेरा ब्रीफ केस खुद चक्या, मेरा टैची खुद चक्या, पौड़ियाँ चढ़ गया मैं पीछे पीछे। मैं वाह मालिक तेरे रंग ते जाके तो उत्थे चौकीदार पहला बैठा, कहते देख भाई पता नहीं मेला राम ना लिया उसका कुछ नाम लिया उसने, ये साढ़े मेहमान है, इन्होंने कल कॉलेज ज्वाइन करना, नौकरी इन्हों की इतने लगी है, ये बड़ी दूरों आए है, ते तू पहला पानी लिया हाथ मुँह तो आ, फिर चाह पिलानी है, तो जेले खाना खाना उसे खाना थले लिया के खड़ा देना, नौ उन्होंने बनया हों सिस्टम। लो बेटो मैं बड़े पानी लिया हाथ मुँह तो लाया मेरा, तो बाद चाह लिया, कह बाबू जी चाह पियो, मैंने दसो रोटी किन्ने बजे खानी है। मैं क्या मैं 8:30 रोटी खा लैंना हूं, 8:30 रोटी आ गई, पानी का घड़ा भर के रखता, फिर वो पता नहीं कितने चला गया, सवेरे फिर आ गया 6 बजे, पानी ले आया नहाने वास्ते, बाथरूम नाले से नहाया कपड़े बदले, कहना बाबू जी अपना टैची इतने ही रहने दो, कॉलेज ना लेके जाओ, जब तुम उतों आ जाओगे इतों ले लो, सारा दिन इतने ही उड़ना, कौन है करने वाला। ऐसे ही मेरे 3 आ गए मेरे साथ। अगर वो ना मिलते, अगर वो टेलीफोन ना करते, मैसेज ना करते, तो मैं डूबिया ही था अपने मन से। वो बहुत मेहरबान है, उसको मत छोड़ना। मैं जब उसमें जाता था तो बाबा फकीर को याद तो मैं जरूर करता था कि बाबा जी ये क्या हो गया, इसमें कैसे निकालो, तो निकल आया। क्या कहा मैंने, इसलिए कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं है। क्या कहा मैंने, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारी मदद करेगा गुरु का वचन, गुरु का शब्द, गुरु की हदायत, बस वो ये है। रे मन धीरज काहे ना धरे, हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो मन मेरे, जिस दुख सब सवारना, अंगीकार रोक करे तेरा कार्य सब सवारना, ये संतों ने कहा है। जब हम हरि को भूल जाते हैं, जब उस मालिक को भूल जाते हैं, या गुरु के ज्ञान को भूल जाते हैं, हमें दुख होगा, हमें नींद नहीं आएगी, तुम्हारी भूख भी कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने, इसलिए आओ गुरु की शरण में आ जाए, कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ये मन की चंचलता छोड़ दो,
मन का ताचड़ा बहुत तंग करता है, मैंने इसका टेस्ट कर लिया, अब मैं चुकन्ना होके रहूंगा जिंदगी में कि ये कौन है, ये मुझे तंग करने वाला कौन है, मेरा ही मन है, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मुझे किसी ने प्रॉब्लम पैदा नहीं की, बल्कि प्रॉब्लम को हल करने वाले आ गए। क्या कहा मैंने, सुखी रहो, आज कहीं जाना है हमने, हमारे सज्जन आए हुए अमेरिका से कनाडा से, उनके घर में भोग है आज, उनकी माता ने पिछले साल चोला छोड़ा था तो वो आए हैं भारत में आकर, वो भोग उनके माता के याद में भोग कर रहे हैं, तो वहाँ मैंने जाना 12 बजे, 12:30 बज जाएंगे, तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ और सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी कहता हूँ, सुखी रहो, बस मन का प्यारा करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।